अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड न्यू वीडियो। अच्छा जी, आज हम करें नाश्ता। ये मैं ब्रेड के साथ कर रही हूँ, आखिरी बच गई थी और मैं ब्रेड के बगैर खाती नहीं हूँ नाश्ता। ऑमलेट साथ में बना लिया, चाय बना लिया, बहन के लिए पराठा बना लिया। हमारे घर आई हुई थी भाई, तो उसकी मेहमान नवाजी तो करनी थी, तो पराठा बना के भी वो अपना नाश्ता कर रही और मैं अपना कर रही हूँ। केक बनाया है मेरी बहन ने, बहुत ही मज़ेदार केक बनाया है। उसको सारा ठंडा करके निकाल दिया था, और अगर रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह मामा के घर जब जाऊंगी तो आपको ये केक की रेसिपी ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये मेरी बहन ने बनाया है, मैंने नहीं। तो मैं इसके सारे पीसेस बना के उसको बॉक्स में रख दूँगी ताकि ये सख्त ना हो, ठीक है? क्योंकि अगर सख्त हो जाएगा तो फिर खाने के लायक नहीं रहेगा। तो इसके बाद वही प्लेन केक बनाने का भी इरादा है, तो आज ये बना लिया, तो कल मेरी बहन वो दूसरा वाला केक बनाएगी। और केक तो घर का बना हो तो जो होता है वो बिल्कुल हाइजेनिक भी होता है और बहुत ज़बरदस्त भी होता है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। बाहर के केक्स को मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ये देख लें, सॉरी फ्लैश ऑफ हो गया, लेकिन ये देख लें इसका जो टेक्स्चर है और सॉफ्ट है कितना स्पॉन्ज केक। मैं इसको ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही हूँ, कहीं टूट ना जाए। मेरा फ़ोन गिर गया था, आई एम सो सॉरी। मैंने दोबारा से उठा के मेरा फ़ोन पटख करके ज़मीन पे गिर गया था। ये देखें कितना सॉफ्ट है। आप लोग भी बनाएं और आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों का केक कैसे बनता है, और आप लोग अपनी रेसिपीज़ मेरे साथ ज़रूर इंस्टा पे शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया वो लाजमी फॉलो कीजिए, और यूट्यूब का चैनल मेरा लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो एंड तक दीजिएगा देखिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखाने लगी हूँ जो आज हमने सारा दिन सैर किया, काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। और मेरे चैनल के को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको लाजमी मिल सके, ठीक है? कॉमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और मेरी और वीडियोस आप लोग देखना चाहेंगे कि नहीं। और हाँ, इसके बाद मेरी दूसरी वीडियो आ रही है जिसमें मैं अपने लंबे लंबे बाल, मेरे बहुत ही लंबे बाल हैं, उसको मैं बिल्कुल कट करके चॉप कर दूँगी। चले जी, अब दूसरे काम आ गया। अब हम ये चेरीज़ मेरे हस्बैंड ले आए हैं, तो ये 2 किलो थे आई थिंक, तो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके फिर मैंने इसे फ्रिज में रख देना है। तो भाई, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से ये कर रही हूँ, इधर मैं अपना स्टैंड नहीं ला सकती थी, तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है? अब इसको मैंने सिंक में रख के इसको सारा वॉश कर लिया है, ठीक है? तो चेरीज़ देख के तो मेरे वैसे ही मुँह में पानी आ जाता है, क्योंकि आई लव चेरीज़। मेरी बेटी जो चेरी के साथ हाल करती है ना, जिस तरीके से वो खाती है, उसका सारा मुंह जो है ना वो चेरी के साथ ऐसे बिगड़ जाता है ना कि सारे मुंह। मैंने कहा, बेटा आप मुंह के साथ खाती हो या चेरी के साथ खाती हो? मतलब उसका सारा चेहरा जो होता है ना वो चेरीज़ में भरा होता है, इतने तरीके से वो खाती है, उसको चेरीज़ इतने पसंद है। अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, वॉश 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 वॉश। और मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, मेरा तो ऐसे ही हाथ मारने को दिल कर रहा था, फिर ही जा रही थी। अच्छा जी, चेरीज़ को अच्छे से धो लिया मैंने। अब मैं इसके बाद लीचीज़ लाई हैं, उनको पौधों से निकालूंगी, पौधों से नहीं, ये जो पत्तियों के साथ डंडियों के साथ आती है ना, मैं कुछ ज़्यादा ही और हो गई हूँ, तो उसमें मैंने इसके साथ ये कह देना है, ठीक है? और अपनी बेटियों को कह रही हूँ कि आओ ना यार मेरे साथ, उतारो ना, उनको डांट के मैंने बुलाया है, मेरे साथ आई ना, मैंने कभी मैं एक हाथ से लगी हूँ, आ जाओ बंदियों, खुदा की बंदियों, आ जाओ आ जाओ। तो भाई, मेरी बड़ी बेटी आ गई जो 6 साल की है, मेरी क्यूटू बेटी, मेरी दुरे शहवार, और बेचारी मेरे साथ आ गई है। इसको डांट डपट के मैंने बुला ही लिया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी, उसको ये लग रहा था कि शायद मैं मामा की वीडियो में आऊँगी, मामा मुझे कुछ कह ना दें, लेकिन मैं उसको कह रही थी कि आओ भाई बेटा मेरे साथ करो। छोटी बेटी भी आ गई बिन बुलाए, लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं है, अब बड़ी को देखेगी तो वो भी तो करेगी। इसके बाद हम जा रहे हैं सैर करने थोड़ा सा बाहर, दोपहर का खाना निकल के हम जो है दोपहर का खाना खा के हम थोड़ी देर बाद आए हैं सैर करने, थोड़ा सा धूप नीचे हो गई, तो उसके बाद निकले हम ऊपर के एरिया, पहाड़ी एरिया की तरफ आए। हमारे घर से तकरीबन आधे घंटे के रास्ते पे है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। नौशहरा से ऊपर, मानकी शरीफ से ऊपर ये कोई जगह है यार, मुझे उसका नाम भूल गया है, बादरखेल, यस बादरखेल नाम है इस जगह का, पहाड़ी इलाका है और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। अच्छा, मैं अपने बच्चों को यहाँ लाई हुई थी, तो हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं, मेरी सिस्टर भी आई थी, मैंने कहा उसको भी घुमा लेते हैं, क्योंकि हम तो बाज़ अवकात आते ही रहते हैं,
लेकिन इसने नहीं देखा था, तो मैंने कहा चलो भाई आपको भी घुमा लाते हैं, क्योंकि आइए तो कुछ हाथन मदारत तो करें भाई, बहन को कुछ तो घूमने घुमाने लेके जाएं। और यहाँ होगा क्या, कोरोना में तो हम लोग होटलिंग भी नहीं कर सकते, ना कहीं मार्केट साइड पे जा सकते हैं, तो हाँ ये ऐसी जगह है जो कि एक साइड पे है, खामोशी है, ना यहाँ पे कोई आता जाता है और ना कोई यहाँ पे इतना रश है। तो जी ये मैंने मेरी बेटी बार बार क्या बोलते हैं इसी साइड पे आ रही थी, मैंने तो उसको कहा कि ऐसे ना करो ऐसे ना करो। लो जी मेरी बेटी को देखे ज़रा, ये जो है शीशे में नखले दिखा रही है, ये देखे ज़रा, ये बेगम लाइफ होती है कि इस टाइम हम कुछ भी कर सकते हैं। शोर को अवॉइड करें, मैंने जानबूझ के शोर को छोड़ा, मैंने इसको म्यूट भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे हवा जो चल रही थी, जो मौसम था, जो सीन ऑन था जी, आप जो है वो मौसम को इंजॉय करें, मैं तब तक होती हूँ चुप।